साथ मीमांसा मलिक। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती का आज फिर सीबीआई के सवालों से सामना होगा। कल भी सीबीआई ने रिया से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सवाल सुशांत के साथ संबंधों से लेकर घर छोड़ने तक के लिए हुए। सवाल ऐसे भी हुए जिसने रिया को परेशान भी किया, और अब इसी कड़ी में रिया चक्रवर्ती से आज फिर पूछताछ होगी। लेकिन आज की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती के सामने सिर्फ सीबीआई ही नहीं होगी, बल्कि सुशांत केस से जुड़े हर गवाह से रिया का सामना होगा। तो आज की बहस शुरू करें, इससे पहले आपको बता दें ये पूरी खबर है क्या। तो आज एक बार फिर से सामना होने वाला है रिया चक्रवर्ती का सीबीआई के साथ। सुशांत मामले में आज फिर होगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई के कई सवालों का सही जवाब नहीं दे सकी रिया चक्रवर्ती। आज केस से जुड़े अन्य गवाहों के साथ रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। ड्रग्स मामले में एनसीबी आज रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज सकती है। तो सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है सीबीआई की टीम। सुशांत सिंह केस में सीबीआई आज भी पूछताछ करेगी। रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों से आज भी सीबीआई की पूछताछ जारी रहेगी। और इस वक्त सबसे पहले हम अपने सहयोगी नित्यानंद शर्मा के पास चल रहे हैं, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नित्यानंद शर्मा, अब आज एक बार फिर से सच से सामना होने वाला है रिया चक्रवर्ती का। कल लंबी पूछताछ हुई, 10 घंटे तक ये सवाल जवाब होते रहे, और आज एक बार फिर से जो और किरदार हैं, जो और गवाह हैं, उनको आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ होने वाली है। जी बिल्कुल, आज वापस पूछताछ होगी और रिया का सच से सामना होगा। इस वक्त हम डीआरडीओ गेस्ट के हाउस के बाहर है। आपको बताते हैं यही गेस्ट हाउस के भीतर अब से थोड़े समय पहले यहाँ सीबीआई के अधिकारी यहाँ भीतर पहुँचे हैं और वेट किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, जैसे कि हम लोग भी लगातार ये कल भी वेट किया हमने, आज भी वेट करें कि रिया चक्रवर्ती कब पहुँचेगी और कब उसका सच से उसका सामना होगा। बहुत सारे सवाल जो है सीबीआई की तरफ से बनाए गए हैं, उससे पूछताछ होगी। सबसे बड़ा एंगल जो इसमें आ रहा है अब तक पिछले कुछ दिनों से इस घटनाक्रम में जो रिया के चैट से बाहर आया है, इसका एंगल जो है वो बाहर आया है। तो ऐसे में सवालों की जो पूरी लिस्ट है वो ड्रग्स पर पूरी केंद्रित की है कि आखिरकार रिया को ड्रग कौन, रिया का जो चैट सामने आया है उसमें ड्रग की बात कैसे आई है। हमारे साथ और हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी जुड़े हुए हैं, यूपी के फूड डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं एनसीबी के उमाकांत मिश्रा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जवल निकम जी वरिष्ठ वकील हैं, वो हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हैं। वीएम पंडित पूर्व सीबीआई अधिकारी, वरिष्ठ वकील आभा सिंह और गोपाल सिंह जो कि सुशांत सिंह के चचेरे भाई हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले उज्जवल निकम जी आपके पास आते हुए, ये हम कह रहे हैं कि ये 3D यानी कि ड्रग्स, डिप्रेशन और धोखा, तो कहीं ना कहीं ये जो जांच अब चल रही है वो इसके इर्द गिर्द अब सिमट कर रह गई। बिल्कुल सही है, क्योंकि सुशांत सिंह के मृत्यु के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आए होंगे कि जिसके आधार पर सीबीआई तहकीकात कर रहे हैं। कल देखिए, कल सीबीआई ने पहले ही रिया को बोला होगा कि तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है सुशांत सिंह के बारे में, और उसने अपनी स्टोरी जो भी होगी उस स्टोरी सीबीआई के सामने पेश की होगी। और उसके बाद जिस वक्त ये वाकया हुआ यानी 14 जून को, और उस वक्त फ्लैट में सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत ये लोग मौजूद थे, उनके तो पहले सीबीआई ने पूछताछ की है, और उन तीन लोगों ने जो भी सुशांत सिंह के मृत्यु के पहले क्या हुआ था इसके तथ्यों की कुछ जानकारी दी होगी, और उस तथ्यों को सुनकर सीबीआई ने उसके बारे में क्रॉस वेरिफिकेशन रिया से किया होगा। अब यह है कि इसमें ड्रग एंगल है, इसमें एक मनी ट्रेलिंग एंगल है, और कई ऐसे बात है कि 8 जून को रिया घर छोड़ के चली गई, 9 जून को उसने सुशांत का फोन ब्लॉक किया, तो सीबीआई ये भी खोज निकालेगी क्या ऐसा कारण था कि जिस कारण के आधार पर रिया ने सुशांत का घर छोड़ा था, कोई झगड़ा हुआ था, का झगड़ा किस प्रकार का हुआ। देखिए, एबेटमेंट टू सुसाइड ये भी मामला है, तो ये भी सीबीआई तलाशने की कोशिश करेगी कि क्या सुशांत को मृत्यु के लिए कुछ एबेटमेंट किया था और किसी ने किया होगा। और दूसरी बात ये भी है
अगर ये सुसाइड नहीं है तो हत्या है, तो सीबीआई ये भी खोज निकालेगी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधारित पर। जी बिल्कुल निकम जी, अब आत्महत्या है या आत्महत्या के लिए उकसाया गया या फिर पूरी तरह से ये हत्या है, अब सभी एंगल्स को लेकर इस वक्त ये जांच चल रही है और इसमें सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि प्रवर्तन निदेशालय है और एनसीबी भी अब इसमें पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और हमारे साथ उमाकांत मिश्रा जी हैं जो कि एनसीबी के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उमाकांत जी, अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अब एक्टिव मोड में आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि अब सम्मन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी, सीबीआई अब कर ही रही है। और ड्रग्स चैट जो आपने देखा होगा उमाकांत जी, जिसमें ये कई सारे किरदार नजर आ रहे हैं, गौरव आर्या के साथ व्हाट्सएप चैट हो रही है, सैमुअल मिरांडा से बात हो रही है, उसमें और भी कई नए नए नाम भी आ जाए हैं, आयुष का नाम आ रहा है। अब व्हाट्सएप चैट जो है उसमें अगर ये नाम आ रहे हैं और जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ये ड्रग्स मंगाई, जिसमें वो खुद भी ये कबूल कर रही हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, उसमें ये बात समझ में आ रही है, तो इन बातों को तो नहीं झुठलाया जा सकता, जबकि रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि नहीं ये तो झूठ है, मैं गौरव आर्या को तो जानती हूँ लेकिन ड्रग्स तो मैं नहीं लेती। जी देखिए, जहाँ तक बात एनसीबी की है, ईडी ने जो इंफॉर्मेशन इनपुट एनसीबी के पास भेजा है और जो न्यूज़पेपर में या जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि एमडीएमए इन्वॉल्व है, कैनाबिस इन्वॉल्व है और बाकी जो व्हाट्सएप में भी जो थे कि भाई जो बेसिकली चार ड्रग्स दे दीजिए काम हो जाएगा, ये सारे जो ड्रग डीलिंग है, आप ये देखना पड़ेगा कि एनसीबी में इलिसिट ट्रैफिक का एक बड़ा एग्जास्टिव डेफिनेशन है, उसमें कल्टीवेशन से लेके व्हाटएवर एक्टिविटीज इमेजिनेबल रिलेटिंग टू ड्रग्स वो सारा आ जाता है, इंक्लूडिंग कंजम्पशन। तो अभी दो इश्यूज हैं, अगर एमडीएमए या कैनबिस या हीरोइन या कोकेन, देखिए ये फिल्म एक्टर्स के मामला है और जहाँ तक ये एक्सपेंसिव ड्रग्स का भी जिक्र आया है कहीं कहीं न्यूज़ में, एक्सपेंसिव ड्रग्स का मतलब कोकेन यूज इज़ वेरी वेरी प्रिवेलेंट इन द फिल्म वर्ल्ड, कभी कभी उसको कट भी करते हैं, कभी कभी वो मिक्स भी करते हैं, जो भी है उसी में, जहाँ तक ये नार्कोटिक ड्रग्स या ओपोइड डेरिवेटिव हो गया या कैनबिस डेरिवेटिव हो गया, इवन एम्फेटामिन हो गया, ये सारा अगर यूज है वो एनसीबी के दायरे में आएगा। जहाँ तक मैं व्हाट्सएप के मैसेज जो चार ड्रॉप दिया ये दिया उसकी बात कर रहा हूँ, मेरा ये अनुमान है कि भाई ये बेसिकली आप अगर देखेंगे ये एम्फेटामिन है या एमडीएमए, ये एमडीएमए तो हो नहीं सकता, वो इसीलिए हो नहीं सकता कि ये सारे हेलुसिनोजन है, एमडीएमए हो गया या एक्सटेसी हो गया, एलएसडी हो गया, ये सब हेलुसिनोजन है। अगर किसी को काम करने के लिए अगर है तो आप बेंजोडाइजेपिन देंगे, जैसे अल्प्राजोलम हो गया, डायाजेपम हो गया, दैट काम्स योर ब्रेन, ठीक है ना, लेकिन वो किस तरह से वो ड्रग के आयरे में आता है, वो प्रेस्क्रिप्शन से वो आया था, बिना प्रेस्क्रिप्शन का आया था, या एमडीएमए या कोकेन, ये सारे डीलिंग इनका एक्सटेंट क्या है, बेसिकली जो गौरव आर्या या साना या ये सब की जो बात हो रही है, जी जी, बेसिकली जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं या जो एविडेंस अभी एनसीबी के सामने आए, मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एनसीबी एंड एनसीबी इज अ वेरी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, इट विल डू इट्स ड्यू। जी जी, साथ ही साथ विक्रम सिंह जी, अब ये भी कहा जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा सकता है, अब ये पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये कितना कारगर साबित होता है इस तरह की जांच में? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट एक नेगेटिव टेस्ट होता है और ये जिसके ऊपर किया जाता है उसकी पूर्व अनुमति सुप्रीम कोर्ट के, ये इसमें व्यवस्था दी हुई है कि जब तक कि जिसके करना है वो अगर स्वीकृत नहीं देता तब तक नहीं हो सकता, लेकिन अगर स्वीकृत दे तो ठीक और नहीं दे तो ये उससे भी ज्यादा उसके गंभीर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, आखिर क्या कारण है, क्योंकि कई आरोपी कहते हैं कि मेरा पॉलीग्राफ टेस्ट कराइए, और न स्वीकृत देना भी एक बहुत गंभीर निष्कर्ष की तरफ जाता है। आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 3 डी ड्रग्स, डिप्रेशन और धोखा, मैं चौथा डी भी डाल रहा हूं, डकैती। जिस तरीके से इन्होंने सुशांत के घर से हार्ड डिस्क साफ किए और निकाले, यूज ऑफ फोर्स हुआ, इसमें तो तर बतर आप देखिएगा, जैसे प्याज आप छीलती हैं एक के बाद एक तह, और सैमुअल मिरांडा, गौरव आर्या, रिया, और एक के बाद एक जो तार से तार जोड़ते चले जाएंगे, आपको इतनी सूचना मिल जाएगी कि उसका संकलन और उस पर कार्रवाई में काफी समय लगने की संभावना है। और जी, मुझे ये जो चौथा एंगल आपने जोड़ा विक्रम सिंह जी, ये डकैती, अब ये देखिए जो हार्ड डिस्क हैं उनसे डेटा डिलीट हो जाता है, 8 डिस्क हैं जहां से जो लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, 8 जून को जब यहां रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर जाती हैं वो डेटा डिलीट कर दिया जाता है। आभा सिंह जी, ये इसमें जरूर महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी इन हार्ड डिस्क में,
और इसीलिए डेटा डिलीट किया गया। जो डायरीज रखते थे, मेंटेन करते थे सुशांत सिंह राजपूत, उसके डायरी के पन्ने भी फट जाते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज वहां से मिल सकते थे और इसीलिए उस डेटा को डिलीट कर दिया जाता है। मीमांसा जी, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डेटा डिलीट हुआ ये क्या बिहार पुलिस के रिपोर्ट में है, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में है, या सीबीआई की रिपोर्ट में है, या ईडी की रिपोर्ट में है? तो अगर डेटा डिलीट हुआ है, वो डॉक्यूमेंट हुआ है, तो वो जरूर आईटी एक्ट के तहत एक ऑफेंस बन जाता है और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें इतने तथ्य और नैरेटिव चल रहे हैं कि हमें जब तक सीबीआई से एकदम फैक्ट्स नहीं आ जाते, विक्रम जी पुलिस में रहे हैं, डीजी रहे हैं, डकैती की बात कर रहे हैं, तो अभी तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई पेपर सामने दिए नहीं है, जबकि सिलेक्टिव लीकेजेस बहुत हो रही है, मीडिया साथ चल रहा है, लेकिन अभी तक 15 करोड़ रिया के अकाउंट में कोई प्रूव नहीं कर पाया है। तो मैं चाहूंगी कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते ऐसे शब्द ना इस्तेमाल किए जाए, क्योंकि अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। और जहां तक मैं पूरा केस देख रही हूं, मुझे ये एक सुसाइड का मामला लगता है, और इस सुसाइड के फैक्ट जो है बहुत आसानी से नहीं निकलेंगे, क्योंकि अबेटमेंट के लिए रिया का वहां प्रेजेंट होना जरूरी था। 8 तारीख को रिया जी, लेकिन आबर सिंह जी, ये जो घर में वहां पर थे, जो सैमुअल मिरांडा है, उसने ये सीबीआई के सामने ये बात कही है कि हार्ड डिस्क जो है वो डिलीट कर दी गई, उसका जो डेटा है डिलीट कर दिया गया, लेकिन आप कह रही हैं कि कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखाई जा रही है। आलोक मेहता जी, क्या इसे जल्दबाजी कहेंगे? अगर कई करोड़ रुपए निकल जाते हैं किसी के अकाउंट से और वो ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती पर खर्च होते हैं बल्कि उनके भाई के लिए भी विड्रॉ की जाती है बार बार अमाउंट, छोटे छोटे खर्चे निकाले जाते हैं, फिर वो सैमुअल मिरांडा से वो व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें वो उसका पिन मांग रही है डेबिट कार्ड का, अब ये जो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात की जा रही है कि उन्होंने ये सारा कंट्रोल कर लिया था, जो पहले का प्राइवेट स्टाफ था उसे निकाल दिया जाता है जो उसके उनके विश्वस्त रहे होंगे, ये क्या इशारा कर रहा है आलोक मेहता जी? देखिए विमानसा जी, आप और हम अदालत नहीं हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। हम और आप यदि इस बात को इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता है कि ड्रग्स का जो करेक्शन है, देखिए एक तो उनका मामला सुशांत सिंह का जिस तरह से मृत्यु हुई उसको, वो आत्महत्या थी, हत्या का प्रयास है, और स्लो पॉइजनिंग, देखिए ये कहा जा रहा है कि वो वहाँ उपस्थित होना, क्षमा करेंगी, वो ज़्यादा कानून जानती है, विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे हैं, किसी को आप रोज धीरे धीरे यदि जहर दे रहे हैं उसे भी एक हत्या का प्रकरण बन सकता है, जो मैं जितनी समझ सकता हूँ। और मीडिया में भी जब आज मैं इसलिए मीमांसा जी थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सुबह से आपका कार्यक्रम अब शुरू हुआ है, देखिए आप लोगों ने मतलब जो मुझे बताया गया कि जी न्यूज ने भी मना किया कि भाई हम इस तरह के स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू नहीं देंगे, क्योंकि उसका पक्ष आपने देखा कल सीबीआई की जांच चली रही है और उसके विजुअल एक अलग से देकर के वो क्या जवाब दे रही है ये दिखाया जा रहा था। इसका मतलब है कि आप कितना सुनियोजित ढंग से बचाने के लिए, बचाना चाहिए, अधिकार है हर वकील का, लेकिन क्या मीडिया का काम ये है कि हम उसके बचाव में पहले से वकील की तरह काम करें और जबकि दूसरा पक्ष वहाँ मौजूद नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अति इस समय हो रही है बचाव के लिए। रिया चक्रवर्ती माफ हो जाए, उनको अदालत कुछ भी मुक्त कर दे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम है कि जो माफिया लिंक है ठाकरे सरकार की, महाराष्ट्र पुलिस ने 2 महीने तक सबूत नष्ट करने के पूरे इंजाम किए, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, किसी भी दुनिया की अदालत में आत्महत्या भी अपराध है उसमें भी FIR दर्ज करने की जरूरत होती है जब जरा सा भी शंका हो। ऐसी स्थिति में ठाकरे, उनके मंत्री, उनके माफिया, दाऊद इब्राहिम को महाराष्ट्र से बाहर भिजवाने वाले नेता, उन सब के क्या है, ड्रग्स के क्या कनेक्शन है, डी कंपनी के क्या कनेक्शन, चाहे रिया को इस्तेमाल किया गया हो, रिया को पता भी ना हो, लेकिन इसलिए नार्कोटिक्स की बात, सीबीआई की बात, इन्फोर्समेंट की बात जरूरी है। इसका पैसा 10 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़ की बात नहीं है। सवाल यह है कि कौन ड्रग्स का माफिया गोवा से काम करता है, कौन मुंबई से कर रहा है, कौन दुबई से कर रहा था, कौन विदेशों में इटली में ले जा करके कौन माफिया काम कर रहा था, इसकी जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे आप निरपराध हो गए, आप छोड़ दीजिएगा उसको, उसके पीछे जो लोग माफिया है, जो आतंकवादी गिरोह रहते हैं, वो लोग ड्रग्स में भारत के, चाहे बॉलीवुड के लोग हो, मासूम बच्चे हो, स्कूल हो, आर्ग्यूमेंट ले जाए ड्रग्स तो सब बच्चे ले रहे हैं जी, तो क्या हमारी आवाज सिंह जी कहेंगी कि बच्चों को ड्रग्स स्कूल में देने दिया जाए?
जी ये उसकी जो गवाह उसके लिए जो पेरी कर रहे हैं मीडिया या वकील, ये जो नेक्सस है जो बॉलीवुड है, ड्रग माफिया है, साथ ही साथ अगर राजनेताओं के ये लिंक हैं, ये जो नेक्सस है इसके तह तक जाना भी तो बहुत जरूरी है वीएम पंडित जी। लेकिन जो मुंबई पुलिस जांच कर रही थी उसमें तो ये एंगल ही नहीं आया कहीं, तो कहीं ये उसी को दबाने की तो ये पूरी कोशिश नहीं थी। देखिए उस समय तो मुंबई पुलिस के पास ये एंगल नहीं देखा, ये निगरानी कह लीजिए, उस समय तक कुछ बातों का खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब चूंकि ये एंगल आ चुका है, जहां तक मेरी सोच का सवाल है, अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर या जो कुछ भी मेन मुद्दा है जिस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें इस ड्रग का क्या रोल है? क्या ये ड्रग का इस्तेमाल उसको बढ़ावा दे रहा था, उसको सेडेट कर रहा था, या उसके डिप्रेशन के हालत से ओवरकम कर रहा था, या और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहा था? क्या उसका इस्तेमाल एक इंस्टिगेटर के बतौर हुआ है? इतना मुद्दा जरूर सीबीआई इंक्वायर करेगी। नारकोटिक्स ब्यूरो अपने आप में उसकी ट्रेडिंग और कैसे सप्लाई होता था और कॉमन यूजर्स कौन थे जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए भी आया है कि ये सुशांत या उसके घर के आसपास या रिया से भी ताल्लुकात रहे और ड्रग सप्लाई की बात हो रही है, तो क्या ये सप्लायर कॉमन था और लोगों को मतलब ये है कि जी बिल्कुल पंडित जी, इसमें तो एक बात पता चल भी रही है कि गौरव आर्या जो है, दरअसल एक पार्टी हुई थी मुंबई में जिसमें एक टीवी कलाकार की गिरफ्तारी भी हुई, रेव पार्टी अरेंज की गई थी गोवा में, और ये लिंक्स जो हैं इस बात को लेकर भी अब जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है कि गौरव आर्या ने क्या उस पार्टी में भी तो ये नहीं भेजा था, और वहां पर जो गोवा में भी एक टीम को भेज दिया गया है जो इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, तो ये ड्रग्स के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या नेता भी इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये बॉलीवुड का कनेक्शन इसके साथ कितना गहरा है, ड्रग माफिया और डी वर्ल्ड, ये जो पूरी की पूरी इस वक्त इसको लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है और कनेक्शन कितनी दूर दूर तक फैले हुए हैं, इसके तह तक जाने की ये सीबीआई की, ईडी की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की लगातार जांच आगे बढ़ रही है। सभी मेहमान रहे हमारे साथ क्योंकि ये कार्यक्रम एक घंटे का है, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रही हूँ, फॉरन लौटेंगे। तो अभी तो सवाल शुरू हुए हैं, रिया चक्रवर्ती से कल 10 घंटे पूछताछ की थी सीबीआई की टीम ने, और आज एक बार फिर से और जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, गवाह हैं, आरोपी हैं, उनको आमने सामने बिठाकर एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ करने वाली है सीबीआई की टीम, और जल्दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से भी समन जारी कर उनसे पूछताछ की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ गोपाल सिंह हैं, सुशांत सिंह के चचेरे भाई। गोपाल सिंह जी, जो कल बातचीत हुई थी रिया चक्रवर्ती से, ऐसे बहुत से सवाल थे जिनके वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। उनसे जब 8 जून के बारे में पूछा गया कि क्या उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, क्या वजह थी ब्रेकअप की, घर छोड़ने के बाद उन्होंने क्यों नहीं हालचाल पूछा सुशांत सिंह राजपूत का, जब उन्होंने वापस फोन कॉल क्यों नहीं किया जब शोविक को उन्होंने एक मैसेज भेजा था, और 13 जून की रात सुशांत को फोन क्यों नहीं उठाया गया, बाद में उनसे बातचीत करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब अभी तक रिया चक्रवर्ती दे नहीं पाई हैं। वो कैसे देगी? वो तो खुद इस हत्या की हिस्सा है, कितना झूठ वो बलगलाएगी? अब तो वो फंस हो चुकी है, वो कोई भी चीज का सही जवाब नहीं देगी, सिर्फ मार्गदर्शन, वो सिर्फ जांच को प्रभावित करने में लगी हुई थी, क्योंकि वो उसका सारा प्री प्लान था। वो बिस्कन्या ने सुशांत को कब से ड्रग्स दी, कब से क्या दे रही थी, कौन सी दवाई दे रही थी, कैसे मारी, वो बिस्कन्या कैसे सही जवाब वो दे पाएगी? और अगर वो सही में सुशांत की दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी, तो उसको ख्याल तो उसका रखना चाहिए, उसका तबीयत ही खराब था, उसके फैमिली को बताना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ नहीं की, उसके तो दिमाग में था, जहन था कि इसको कैसे मारा जाए, वो तो पूरा प्री प्लानिंग था इसको मारने का, और वही प्लानिंग के तहत ये 8 तारीख को घर भी छोड़ के गई थी।
जी, और 8 जून को घर छोड़ने के बाद उसके बाद भी संपर्क नहीं किया गया और वो ये कह रही है कि 8 जून से 14 जून के बीच क्या हुआ उन्हें कुछ इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये सीबीआई का जो चक्रव्यूह है उसमें वो घिरती हुई नजर आ रही हैं, जो जाल उन्होंने बुला था उसमें वो खुद फंसती हुई नजर आ रही हैं और इन सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। कल भी सवालों के जवाब दिए थे और आज भी इस सवालों का ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, जांच जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप रहिए जी न्यूज के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। तो अभी तो सवाल शुरू हुए हैं, कल आपने देखा था रिया चक्रवर्ती का सच से सामना, सीबीआई की टीम के सामने वो सवालों के जवाब देने के लिए उपस्थित हुई थी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची थी, 10 घंटे लंबी ये पूछताछ चली थी और आज एक बार फिर से सीबीआई की टीम ने उन्हें बुलाया है और आमने सामने बिठाकर वो तमाम लोग जो कि उस घर में उस वक्त मौजूद थे, कुछ और जो आरोपी और अहम लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, आमने सामने बिठाकर अब एक बार फिर से पूछताछ की जाएगी आज रिया चक्रवर्ती से। उज्जवल निकम जी, जब रिया चक्रवर्ती से पहले सवाल जवाब किए गए हैं, जवाब उनसे ले लिए गए, जो और किरदार रहे हैं हमने देखा कि उनसे भी लगातार सीबीआई पिछले एक हफ्ते से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, अब जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है तो ऐसे में जब कन्फ्रंट किया जाता है डायरेक्टली और जो विरोधाभासी बयान अभी तक जो आ रहे हैं सामने, जो ये किरदार दे चुके हैं, तो ऐसे में बच निकलने की गुंजाइश तो बहुत ही कम होती है। जब आप आमने सामने बैठे हैं, ये शख्स कुछ कह रहा है, दूसरा शख्स अपनी बात कहता है और जब वो मेल नहीं खाता तो आप फंस जाते हैं। फिर अपने दर्शकों के लिए 5 बात मैं साफ करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक जांच एजेंसी के सवालों का जवाब देना ये आरोपी पे बंधन नहीं रहता है। अगर आरोपी साइलेंट भी रहा तो कानून उसे कोई बुरा नहीं मानता, उसे एडवर्स इंफरेंस नहीं निकलता है। लेकिन जांच एजेंसी को अगर डाउट आ गया, शक आ गया कि आरोपी कुछ बातें छुपा रहा है और छुपा इसलिए रहा है कि वो गिल्टी है यानी दोषी है, फिर जांच एजेंसी उसको अरेस्ट कर सकती है और उसके बाद कस्टोडियल इंटरोगेशन हो सकता है। नंबर 2, आपका जो सवाल है कि ये क्रॉस वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रॉस वेरिफिकेशन इस मामले में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 जून को सुशांत का जब मृत्यु हुआ, चाहे वो सुसाइड हो, अटेम्प्टेड टू सुसाइड हो या हत्या हो, उस वक्त उस फ्लैट में 3 लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश साहब। अगर मेडिकल एविडेंस से जांच एजेंसी इस अनुमान लगाती है कि ये सुसाइड नहीं तो ये होमिसाइडल डेथ है, तो शायद इन 3 लोगों को जवाब देना होगा, और सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह कि सुशांत का डेथ कैसे हुआ, यानी होमिसाइडल डेथ का। अगर वो कुछ जवाब नहीं ठीक दे सके तो बर्डन उन पे है, हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन रहता है कि अपनी केस साबित करें, लेकिन इसमें बर्डन उन पे आता है कि आप साबित करो सुशांत कैसे मृत्यु। तो इसके लिए ये 3 लोगों ने जो भी बयान सीबीआई को दिया होगा और उसके बारे में रिया क्या कहती है, वो क्रॉस कन्फ्रंटेशन हो सकता है और ये सीबीआई को ऐसा सुराग मिल सकता है कि जिसके तहत और रिया का कस्टोडियल इंट्रोगेशन की मांग कर सकते हैं, यानी रिया को अरेस्ट करने का उनको सफिशिएंट कारण। एक चौथी बात बता रहा हूं, विक्रम जी ने कहा कि नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कानून में है, लेकिन ये उन्होंने सही कहा कि आरोपी का डिस्क्रिशन लगता है, आरोपी की कंसेंट लगती है, पर उनका यह कहना गलत है कि उन्होंने अगर आरोपी ने सम्मति नहीं दी, कंसेंट नहीं दी तो उसके खिलाफ एडवर्स इंफरेंस निकाला जाता, ऐसा होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसके बारे में है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट और नार्को टेस्ट आरोपी के पूर्व सम्मति स्वा नहीं ले सकते, अगर नहीं दिए तो कानून उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब रही लास्ट बात, जो 5वीं बात मैं बता रहा हूं, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैं न्यूज से चैनल से सुन रहा हूं कि रिया ने व्हाट्सएप चैट डिलीट किए, वो व्हाट्सएप चैट एनफोर्समेंट ने रिट्रीव किए और उसके आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि रिया कुछ ड्रग ले रही थी जी। अब सवाल यह है कि सुशांत डिप्रेशन में था, कब से डिप्रेशन में था, डिप्रेशन होने की वजह क्या थी और उसके अन्य कुछ कारण है। अब तक पोस्टमार्टम का विसेरा रिजर्व है जी। उस विसेरा का रिजर्व का क्या फाइंडिंग आता है
ठीक है, सीबीआई की आगे निगम जी, एक तो आपने जो नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात की, क्योंकि उस पर शायद अब कुछ बोलना भी चाह रहे हैं विक्रम सिंह जी, इस पर भी आप रिएक्शन दे दीजिए, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं जिनसे ये साइकेट्रिक ड्रग्स अगर ली जा रही थी तो अभी तक उनसे पूछताछ शुरू नहीं हुई है। हम सुन रहे हैं नाम नीरज का, रजत मेवाती, ये सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा जो रहते थे, ये जो प्राइवेट स्टाफ है उनसे हो रहा है सारा का सारा पूछताछ का सिलसिला, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो भी तो बहुत अहम हैं। ये ड्रग्स दी जा रही थी तो कब से दी जा रही थी, इससे भी वो चीजें काउंटर हो पाएंगी जो कि रिया चक्रवर्ती की ओर से कही जा रही है डिप्रेशन को लेकर। बिल्कुल मीमांसा जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले, डॉक्टर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन थे कि नहीं थे, और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जब दिए जाते हैं उनका लेखा जोखा फार्मेसी में रखा जाता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि बा एतबार ऑन ट्रस्ट उन्होंने ये दवाएं दी, प्रिस्क्रिप्शन काटा तो किस दवा की दुकान से, फार्मेसी से लिए गए, और उसकी एंट्री संबंधित रजिस्टर में की गई नहीं की गई। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन नार्को पे। हमारे विद्वान अधिवक्ता केवल कानून की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़े सम्मान के साथ मैं ये कहूंगा, इन्वेस्टिगेशन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। और जब मैं किसी से कहता हूं कि मैं आपकी तलाशी लूंगा और अगला कहता है मैं तलाशी नहीं दूंगा, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस में ये कह रहा हूं कि विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर कोई तलाशी नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। एक कुशल इन्वेस्टिगेटर भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल, हर चीज से निष्कर्ष निकालता है। वो निष्कर्ष कानून की परिधि में, सीआरपीसी में नहीं है, वो विज्ञान जो एक कला है, जो ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं, और इन्वेस्टिगेटर की भी ट्रेनिंग जो दी जाती है वो भी इसी तरह दी जाती है, हाउ टू बी अ गुड इन्वेस्टिगेटर। और इन्वेस्टिगेशन में बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा, किसी चीज को हाँ या ना करना, और यहां तक कि कितनी बार आपने पानी पिया और कितनी बार आप वॉशरूम गए, ये सब चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी कला है और इन्वेस्टिगेशन का एक अभिन्न अंग है। तो इसको कह दे कि नहीं आप आंख पे पट्टी बांध के इन्वेस्टिगेट करें, ये होने वाला नहीं है सर। और मेरा कुछ अनुभव थोड़ा सा है, आपके बराबर तो नहीं, थोड़ा सा अनुभव मेरा भी है, लेकिन मैं अपने तुच्छ बुद्धि से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ी कला है, छोटी सी। विक्रम साहब मैं आपको रुका रहा हूं, मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एक कला है, पर इन्वेस्टिगेशन का नतीजा कानून में उसे अगर कोई आधार नहीं रहता, उस सबूत नहीं बनता, उस सबूत के आधार पर आरोपी को सजा नहीं दे सकते। अब मैं आपको कहता हूं, इसके आधार पे आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, आपने किसी को छुआ नहीं, किसी को स्पर्श नहीं किया, आपने ऑब्जर्व किया और अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर आपने इन्वेस्टिगेशन प्लान बनाया, उस इन्वेस्टिगेशन प्लान तक आप तथ्य तक पहुंचे। इसमें कानून की परिधि में अगर कोई त्रुटि हो तो इस पे प्रकाश डालने की और हमारा मार्गदर्शन करने की। ठीक है, ये देखिए आप इन्वेस्टिगेशन और प्लानिंग क्या हो रही है, इसमें बहुत अहम जो पहलू है वो अब एनसीबी किस तरह से अब आगे अपनी प्लान की तैयारी कर रही है वो बहुत अहम हो जाता है। उमाकांत मिश्रा जी, अब एनसीबी जो है वो एक्टिव मोड में गई है, समन जारी करके वो भी पूछताछ करेगी। अब इस पूछताछ में सिर्फ यही बात नहीं है ना कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी या सुशांत को देती थी, ये तो खैर ये पता लगाने के लिए कि क्या ये साजिशन किया गया, क्या उनके बिना नॉलेज के उनको ये ड्रग्स दिए जा रहे थे और फिर वो इस हालत में आ गए कि उनकी डिपेंडेंस हो गई, उनकी तबीयत खराब होने लगी और फिर उन्हें डिप्रेशन के ड्रग्स दिए जाने लगे, ये तो जांच का विषय होगा ही होगा। लेकिन साथ ही साथ ये ड्रग्स का रैकेट कहां कहां तक जाता है, क्या इसमें नेता भी इन्वॉल्व्ड हैं, क्या इसमें बॉलीवुड के और लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं, ये ड्रग्स रैकेट की पूरी जानकारी निकल कर आएगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस जांच में? क्या देखिए, जब एनसीबी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो एक पूरा कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होता है। एनडीपीएस एक्ट के अंदर इतने सारे प्रोविजंस हैं कि वो हर सिचुएशन को, हर ये को वो कवर करता है, उसका स्कोप में लगभग सारा ही आते हैं। और जहाँ तक एनसीबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ वेरी कैपेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो विभिन्न देशों से उसके साथ ड्रग लियाज़ों ऑफिसर इन्वॉल्व्ड हैं, सारे देशों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है, एमओयू है, तो अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या रेमिफिकेशन को डिस्कवर करने की ज़रूरत है, दे आर वेरी कैपेबल, दे हैव द वेरविदा। और दूसरी बात, जहाँ तक नेक्सस की आप बात कर रहे हैं कि भाई इसका पॉलिटिशियन का नेक्सस है या बिजनेस का नेक्सस है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, गोवा, आप तो जानते हैं ये आम बात है, बिकॉज इट इज़ ए कंजम्पशन बेस्ड ड्रग, तो
इसलिए जहां भी हो गए एंड इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर, सो इसीलिए उसमें नेक्सस होना आम बात है। मेरा खाली ये कहने की तात्पर्य है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन अगर लिया जाता है उसको बिल्कुल पूरी तरह लेके उसके हर एंगल को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, हर रेमिफिकेशन को, ये तो कौन इन्वॉल्व है, कैसे है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। और दूसरी बात ये है कि और अगर ये होता है, रेमिफिकेशन निकलता है, तो एनडीपीएस एक्ट में भी प्राविधान है, पनिशमेंट का डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडेशन है। आप देखिए, मैं एक अहम बात कहता हूँ कि अगर ऑर्गेनाइज क्राइम से इन्वॉल्व है तो एनहांस्ड पनिशमेंट हो सकता है, 10 साल के जगह 20 साल आप दे सकते हैं। अगर कोई उसी ड्रग इन्वॉल्व, अगर कोई ट्रैफिकिंग रिलेटेड ऑफेंस है और कोई ऑफेंस कमिट होता है, जो कि पर्सन, यही केस है जो प्रेजेंट केस हम डिस्कस कर रहे हैं, मानो कि अगर ये एबिटमेंट टू सुइसाइड इज ए क्राइम, अगर ये ड्रग इंड्यूस्ड है, देन ऑल्सो 31B के अंदर आप एनहांस्ड पनिशमेंट ले सकते हैं। ठीक है उमाकांत जी, लेकिन यहाँ पर एक तस्वीर है जो थोड़ी परेशान करने वाली है। आभा सिंह जी, आपने देखा होगा कल सीबीआई की पूछताछ के बाद ये किस तरह से मुंबई पुलिस से मदद लेने के लिए पहुंचती हैं रिया चक्रवर्ती, और फिर उन्हें घर पहुंचाया जाता है। जब उन्हें जरूरत है मीडिया की अपनी बात कहने के लिए, अपने हिसाब से सवालों के जवाब देने के लिए, तो मीडिया ठीक है, और नहीं तो वो मीडिया पर वार करने लगती हैं अगर कोई उनसे सवाल पूछ रहा है। ये सिलेक्टिविज्म क्यों? मीमांसा जी, जिस दिन से सीबीआई को ये केस गया है, एक ही ट्विटर पर ट्रैक कर रहा है कि अरेस्ट रिया चक्रवर्ती। मैं आपसे पूछती हूँ, 9 दिन हो गए, अगर रिया इतनी बड़ी माफिया डॉन है, इतना बड़ा क्राइम किया है, तो 9 दिन में भी सीबीआई क्यों नहीं सफल हुई उनको अभी तक अरेस्ट करने में? 12-12 घंटे पूछ रही है, ईडी को तो 1 महीने हो रहे हैं इंक्वायरी करते हुए। तो ये सब जब है, इनके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो ये सिर्फ हवा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं आज आपको लिख दे रही हूँ कि इसमें जो है रिया चक्रवर्ती को ये एविडेंस लेके आए, नहीं तो इनको उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो तमाशा हो रहा है इस वक्त तक, इसकी सच्चाई बहुत जल्दी आएगी। उज्ज्वल निकम जी सही कह रहे हैं कि सबूत लाइए, थ्योरी से काम नहीं चलेगा, कोर्ट में ट्रायल में सबूत चाहिए। आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी, क्या हवा में इन्वेस्टिगेशन हो रही है? जो फैक्ट्स पहले, जिनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रही थी मुंबई पुलिस, अगर वो आ रहे हैं तो पूछताछ तो की जाएगी, सवाल तो पूछे जाएंगे, तभी तो सच्चाई सामने आएगी। आलोक जी, इसमें कोई केस नहीं बनता, मुंबई पुलिस। देखिए मीमांसा जी, वैसे आभा जी बहुत बड़ी कानूनविद हैं, लेकिन मैं खाली यही निवेदन कर रहा हूँ कि ये महाराष्ट्र पुलिस ये काम पहले नहीं किया, इसीलिए देरी होने में सबूत, और अब इसलिए सुरक्षा देना पड़ रही है कि वही माफिया कहीं रिया को जान को ना, हम और आप भी रिया की जान बचाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उससे उसके जो लिंक हैं वो, हम मतलब पूरा देश और सरकार, कोई भी यदि एजेंसीज हैं वो। और एक बात मैं कहूँगा मोहनसा जी, साथ में उनकी बात ये ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने भी यही जो बयान दिए गए हैं वो दिलवाना होगा, ताकि कानून में उसकी पुष्टि, वरना 2 दिन बाद वो बदल सकती है कि मैंने सीबीआई को ऐसा नहीं कहा। इसलिए इसकी जितनी जल्दी से जल्दी हिरासत में लेके मजिस्ट्रेट के सामने भी वही बयान दिलाना चाहिए। अभी तक जो बयान आ रहे हैं वो ऐसा लगता है पहले से जो रिहर्सल हमारे आपके भाई बंधुओं के साथ जो रिहर्सल की गई थी, वो जवाब सवाल हो रहे हैं, असली जो सवाल तो पहले तय कुछ तो अंदाज होता ही है, तो इसलिए असली में उसके जो तार हैं जी, जो सरकार माफिया अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स हैं, वो निकालने के लिए मजिस्ट्रेट हिरासत में लेके जल्दी जल्दी मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान होना चाहिए। ये इन सब लोगों का गौरव आया, गौरव को कोई पकड़ा जा रहा है जी। वीएम पंडित जी, जो बात है आलोक मेहता जी कह रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन हो और जो बयान है वो अब मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने चाहिए, 60 दिन तो हो चुके, 2 महीने गुजर चुके हैं, क्या बहुत देरी नहीं हो जाएगी? जो भी हो, जो बयान दर्ज होने हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने हो। वीएम पंडित जी, ऐसा चलता नहीं, आरोपी का बयान का कोई फायदा नहीं। मैं उज्जवल निकम जी, 2 सेकंड दे दीजिए, उनका कमेंट होता है फिर मैं आपसे लेती। ये डिबेट फेयर होना चाहिए, कानून के आधार पर होना चाहिए। वीएम पंडित जी, उज्जवल निकम जी माफी के साथ, वो वेट कर रहे थे काफी देर से। विमानसा जी, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और देखिए सस्टेन्ड इंटरोगेशन सीबीआई इसलिए करती है और कन्फ्रंटेशन करती है कि वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है। अब आज की तारीख में इतने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आ गए हैं, जैसा अभी अभी कहा गया कि जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर कोई इंटरव्यू दिया गया हो या एक्टिंग की गई हो। अब इसको क्यों प्लेस किया गया और इस टाइम पर क्यों प्लेस किया गया? टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी और
टू क्रिएट अ कंफ्यूजन और टू एक्सप्लेन अवे सर्टेन थिंग्स. सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट जो आएगा मेरी समझ से वो ये आएगा कि टाइमिंग ऑफ रिया टू लीव सुशांत और उसके पहले अगरचे कुछ मैटर डिलेट हुए हैं हार्ट ड्रिंक, क्या उनकी खुद की तबीयत खराब थी? सुशांत की तबीयत खराब रहते हुए उन्होंने ये टाइमिंग ऐसी क्यों ली और जाने के पहले पाक साफ सब चीज़ों को क्यों कर गई? क्या उनको वहाँ से हटने के लिए कहा गया या उनका खुद का डिसीजन था? अगर खुद का डिसीजन था और खुद की बीमारी की वजह से था तो क्या सुशांत की बीमारी, वो लिव इन पार्टनर थी, इतनी कंसर्न थी जी, तो क्या वो बीमारी मायने नहीं रखती थी? अपनी बीमारी क्या इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो सिर्फ अपने घर से अटेंड कर सकती थी और सुशांत अपने आप टेक केयर कर सकता था? जी बिल्कुल, ये सवालों का ये इतना बड़ा चक्रव्यूह है और ये रहस्य गहराता ही जा रहा है. हालांकि अब सीबीआई की जांच में बहुत से तथ्य भी सामने आ रहे हैं, व्हाट्सएप चैट भी सामने आ रही है जिसमें ड्रग्स एंगल भी आ रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 3D ड्रग्स डिप्रेशन धोखा उसके इर्द गिर्द ये तीन एजेंसियों की जांच जो चल रही है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए. वक्त इतना ही था, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और आगे देखिए धुएं में छिपा सुशांत की मौत का सच. प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. डाउनलोड इट नाउ.